अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा फिर हम आपके साथ हैं अपने रिएक्शन वीडियोस की सीरीज के साथ। इस दफ़ा मेरे साथ तीन लोग हैं जिनके साथ हम वीडियोस शेयर करेंगे और उनके तासरात इसके बारे में उनके बारे में जानेंगे। मेरे साथ हैं उज्मा, मरियम और जरगना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू द शो। जी स्टूडियो, पहले वीडियो के साथ स्टार्ट करते हैं। ये जुल्म की इंतहा देखो चीज जैसे पाकिस्तान, मेरी एक बेवा औरत की आपसे अपील है। 70 साल साथ में एक माँ भी हूँ, घर पे मैं सोई हुई थी, आज फिर ख्वाजा आसफ ने मेरे घर पर हमला कराया। ये देखो मेरा दरवाजा तोड़कर मेरे अंदर दाखिल हो गए। मैं दरवाजा नहीं खोलती थी क्योंकि आगे भी ये लोग आए, इन्होंने मुझे जोरकोप किया, मेरे सर से चादर उतारी, मेरे बाल खींचे। जो वीडियो सोशल मीडिया पर है आप वो भी सबूत देख सकते हैं। अब मैंने अपने इलेक्शन के कागज जमा कराने जाना है, ये मेरे अपने दिल की आवाज है। मैंने अपनी हदीस और सुन्नत और अपने कुरान के मुताबिक ये फैसला किया है। कोई मुझे जोर को करके अपना टॉर्चर करके अपनी मन मनी नहीं मरवा सकता। देखो मेरे घर पे उन्होंने मेरी कमीज को फाड़ डाला। जो कुछ इन्होंने किया है, मेरी आपसे अपील है कि ये क्या हो रहा है, पूछिए इन लोगों से। ये हमारा पाकिस्तान है ख्वाजा आसिफ, मेरा चैलेंज है कि मेरे घर को प्रोड्यूसर से भी ढेर लगा दो और मैदान में आओ, देखो मैं तुम्हारे शेर का क्या असर करती हूँ। मुझे हथकड़ियां लगाओ, मैं कागज जमा कराऊंगी, और हथकड़ियां मुझे लगाओ, मैं हथकड़ियां और जेल में भी जाकर इलेक्शन लाऊंगी। किसी भुलेखे में ना रहना, किसी भूल में ना रहना, ये मेरा चैलेंज है। चैलेंज नहीं बल्कि मेरा ऐद है, मेरा पैगाम है आपको भी और शहर सियालकोट की अवाम को भी मेरा पैगाम है। जो जुल्म जे करार है आप देख रहे हैं, आपने मेरे कागज जमा कराने का सुन के 20 लोग पुलिस के आधी रात मेरे घर पे भेज दिए और मुझे जोक को करके दिए हैं। मेरी अपील है कि मैं चीफ जस्टिस साहब से इंसाफ चाहती हूँ, मुझे इंसाफ मिले, मुझे इंसाफ मिले। ये जो कुछ हमारे मुल्क में हो रहा है ये काफी हद तक अनप्रेसिडेंटेड है। इतने लार्ज स्केल पे हम सुनते थे, हम बलोचिस्तान में इन जगहों पे सुनते थे, लेकिन इस तरह वाइड स्प्रेड खासतौर पे पंजाब में होना हमने पहले नहीं देखा था। तो मैं शुरू करती हूँ उज्मा के साथ। उज्मा बात कीजिए, बताइए हमको इस वीडियो के बारे में। अस्सलाम वालेकुम समन। आई थिंक ये देखना काफी, आपके बहुत सारे इमोशंस आप गुजरते हैं, बहुत सारी चीजें, आपको गुस्सा आ रहा होता है बहुत ज्यादा कि क्या हो रहा है पाकिस्तान में, हर बार जो कोई नई चीज आती है औरतों के साथ क्या क्या किया जा रहा है। मगर साथ ही ना आपको एक फख्र महसूस होता है कि ये औरतें इन सब चीज़ों के बावजूद कितना खड़ी हो रही हैं, मुकाबला कर रही हैं इन सब चीज़ों का। और देखें वो जज्बा देखें जिससे उन्होंने आगे चैलेंज किया है जवाब में, और उन्होंने कहा है कि तुम ये भी कर लो, तुम मेरे घर को भी बुलडोज कर दो और मैं मैं फिर भी ये करूँगी, मैं आके इलेक्शन में लड़ूंगी और मैं अपने कागजात जलाऊंगी इस चीज़ के लिए। तो हम लोग यहाँ बाहर के मुल्कों में हमारी जिंदगियाँ इसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। हम छोटी छोटी चीज़ों से वो अपसेट हो जाते हैं या वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। आप इन लोगों के साथ देखते हो कि कितना कुछ हो रहा है इन औरतों के साथ, और फिर भी वो उनका ये जज्बा है कि वो अपने मुल्क के लिए, अपनी आज़ादी के लिए खड़ी हुई हैं, लड़ रही हैं, और उनके साथ इतना कुछ किया जा रहा है। तो पहले मेरा ख्याल है ये सब होता था लेकिन हमें पता नहीं चलता था कई चीज़ों के बारे में, आप इधर उधर छोटी छोटी खबरें सुनते थे। लेकिन जाहिर है कि जब जुल्म जो है वो फिर बढ़ता ही जाता है ना, जब उस वक्त कोई नहीं बोल रहा था तो अब और बढ़ बढ़ के अब इतनी उनकी हिम्मत हो गई है कि वो बड़े पैमाने पे औरतों के साथ ये सारी चीज़ें किए चले जा रहे हैं। और दुनिया को जितना हम बताएं बहुत अच्छा है, और इसके बारे में हमें ये अवेयरनेस ही नहीं, हमें इसके बारे में खुद भी बोलने की ज़रूरत है कि ये सही नहीं है। और यस, अगर इन औरतों को हमारी यहाँ से किसी तरह मदद मिल सकती है आवाज़ से, बातों से, किसी और तरीके से, तो हमें करते जाना है, हमें भी बोलना है उनके लिए। ये उनकी अकेले की जंग नहीं है, ये पाकिस्तान कल
अगर हम चाहते हैं कि कोई पाकिस्तान का फ्यूचर है या हम लोग भी किसी तरह आगे जाके पाकिस्तान की चीज़ों में इन्वॉल्व हो सकें, तो ये हमारा भी एक तरह से फ्यूचर है, हमारा मुस्तकबिल भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सुमन। जी मरियम, क्या ऐड करेंगी आप? मैं सिर्फ ये, उनकी बातों में अगर इफ यू पेड अटेंशन टू हर व्हाट शी वाज टॉकिंग अबाउट ना, ये उनका गुस्सा है, उनके दोनों बेटों को बर्बाद कर दिया गया, एंड इफ यू पे अटेंशन द एंगर दैट्स इनसाइड हर, इट्स गोइंग टू मेक अस विन, हमें ये जिताएगा, क्योंकि उनका ये अभी जज्बा है, इट्स हर एंगर दैट्स कमिंग आउट, ठीक है। दूसरा ये कि औरतों में बशर्ते कि मर्दों में से मर्द ज़्यादा फिजिकल हो जाते हैं, औरत जो होती है ना वो मच स्ट्रॉन्गर होती है, तो अगर उसको दीवार से लगा दिया जाए ना तो शी कैन ब्रेक हेल, और आई फील लाइक पीटीआई शुड वर्क ऑन वुमेन कमिंग फॉरवर्ड एंड टिकट्स उनको मिलने चाहिए, क्योंकि ये जज्बा अब उनके मर्दों के साथ, उनके बेटों के साथ, उनके भाइयों के साथ जो जुल्म हो रहा है ना, तो अब औरतों को चाहिए कि ये बेड़ा हम ही उठाएं, मेरे ख्याल से तो ये है कि और अब ये जो है ना, दिस इज गोइंग टू कम आउट मोर एंड मोर एंड मोर, अब और औरतें इसमें आगे बढ़ेंगी, अपने मर्दों को इन्होंने पीछे छोड़ा हुआ है, क्योंकि मर्दों ने अपनी अपनी ट्राई कर ली, जो भी करनी थी फिजिकली उन्होंने जो ट्राई करनी थी वो कर ली, लेकिन अब ये माइंड ओवर मैटर टाइप ऑफ गेम शुरू हो गया है बिटवीन वेमेन, जो वो चलाकियां करती है मरियम उसको एक औरत ही समझ सकती है और हम ही उसको बीट कर सकते हैं इसी तरह, तो जितना वो हमें दीवार से लगाएंगे यार, ये इसी तरह उबाल और इसी तरह ये सब एंगर निकलता जाएगा, इट्स अ पॉट दैट्स गोइंग टू बर्स्ट एनी मिनट। एक्सेलेंट पॉइंट जी, बिल्कुल जी। जरवाना, अस्सलाम वालेकुम। मेरा ख्याल ये है कि जब आप, जब आपका दुश्मन माँ और बहनों के ऊपर आ जाए ना, उनको मार कुटाई और उस पर आ जाए ना, तो समझ लें आपका दुश्मन हार गया। अब उसके पास आपसे लड़ने के लिए कोई चीज नहीं, तो वो आपके ऊपर, आपकी माँ बहनों पर आएगा। यही है कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिहाद पर और जंग पे जाया करते थे, तो खास ताकीद करते थे कि औरतों को, बच्चों को और बुजुर्गों को हमने हाथ नहीं लगाना। इसी तरह ये जो तहरीक है ना, और इस तहरीक के अंदर जो औरतों ने अपना अपना किरदार अदा किया है ना, वो मिसाल कहीं भी नहीं मिलती। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो आज भी डट के खड़ी हैं कि मेरे घर पे बिल्टोजर भी चला दोगे ना, तब भी मैं इस चीज से पीछे नहीं हटूंगी, तब भी मैं इलेक्शन लड़ूंगी। तो ये आपके लिए शर्म का मकाम है। ये वो सारे इदारे फेल हो चुके हैं जो औरतों के हकूक के तहफ्फुज की बातें किया करते थे। क्या ये औरतें नहीं, क्या ये औरतें सिर्फ पीटीआई से मुंसलिक रखती हैं, इसलिए इनके ऊपर दहशत, इनको दहशत, इन पर आप दहशत गर्दी करेंगे? तो मेरा ख्याल ये है कि ये सिर्फ वर्दी के अंदर गुंडे घूम रहे हैं, जो जो इतने आजाद है कि वो किसी के भी घर में घुस सकते हैं। कल आज वो उस्मान डार की माँ के घर में घुसे, कल वो मेरी माँ के घर में घुस जाएंगे। अगर आज भी हम नहीं बोलेंगे तो वो इसी तरह दनदनाते हर माँ बहनों की इज्जत का जो है पामाल करते रहेंगे। हमें इस पे बोलना चाहिए, ये सब का मसला है। थैंक यू। बेहतरीन पॉइंट, बहुत बेहतरीन पॉइंट ये था कि जितना हम चुप रहेंगे तो ये ना समझे कि ये इस जिस जिन लोगों के ऊपर हो रहा है उसी तक रह जाएगा, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा, बलूचिस्तान और दूसरी जगहों पे ऐसा होता आया है, और आज ये पंजाब में और आहिस्ता आहिस्ता पूरी मुल्क में जा रहा है, और इस वजह से इसको रोकना हमारा फर्ज है। बहुत बेहतरीन आप लोगों ने जवाब दिए इसके, थैंक यू सो मच। जी स्टूडियो, अगले वीडियो की तरफ चलते हैं। मछली के पेट में कैद यूनुस अलैहि सलाम ने अल्लाह के हजूर अपनी दुआ में तस्लीम किया कि उनसे जुल्म हुआ। एक पैगंबर, अल्लाह की बुरगजीदा हस्ती ने नऊज़ु बिल्लाह क्या जुल्म किया होगा? मायूसी उनका अपनी जात पे किया हुआ जुल्म था। यूनुस अलैहि सलाम ने मायूसी में एक फैसला लिया, और अपनी दुआ में वो उस फैसले पर अपने रब के हजूर पशेमानी का इजहार कर रहे हैं। ला इलाहा इल्ला अंता सुभानका इन्नी कुंतु मिनज़्ज़ालिमीन। मायूसी आपके सामने की हकीकतों को धुंधला देती है, और कायनात की सबसे बड़ी हकीकत अल्लाह की जात है। उसका वादहु ला शरीक लहु होना है, उसका कादिर होना है। मायूसी इंसान से अल्लाह की इस सिफत को छुटलाती है, इसीलिए तो मायूसी कुफ्र है। मायूसी इंसान को शिर्क पर आमादा करती है। यूनुस अलैहि सलाम की दुआ में अल्लाह की वहदानियत का इकरार भी इसीलिए दोहराया गया है कि हमें याद रहे कि जब इंसान का अल्लाह की कुदरत पर यकीन मुतज़लज़ल होने लगता है, तब वो लाशऊरी तौर पर दुनियावी खुदाओं की बरतरी तस्लीम करने लगता है। वो मान जाता है कि अगर किसी के पास ताकत है तो वो मुख्तार है आपके भले बुरे, इज्जत जिल्लत, जिंदगी मौत का। आपका मुल्क उसके लगाए वेंटिलेटर पर है।
वो राज़िक है आपका और आप उसके सामने beggars can't be choosers की तफसीर। वो जब कहता है कि we will push you into stone age, तो आप उसके कदमों में अपने बच्चों के सर ला कर रख देते। उसके दरबार से कासिद ये हुक्म लेकर आ जाए कि फलां काबिले कबूल नहीं, तो आप एक अदना नौकर के हाथों को आंखों से लगाकर चूम कर अपनी खुददारी को दांव पर लगा बेकसूर लोगों को कुचलते हुए उसके हुक्म की तामील करने निकलते हैं। दुनिया का हर बुजदिल बेगैरत इंसान दरअसल अल्लाह की कुदरत से मायूस और उसके इख्तियार में उसकी वहदानियत में शराकत का मुर्तकिब होता है, और दुनिया का हर जालिम इंसान की अपने रब की कुदरत से मायूसी पर पनपता है, मगर होता वही है जो आपका रब चाहता है। वो जब आपके सामने हर चेहरा अया कर देता है, हर उस शख्स ओहदे इदारे और उस ताकत की हकीकत खोल कर रख देता है कि जिससे आपने आस लगाई हो, तो मकसद आपको हारने पर आमादा करना नहीं होता, तस्लीम कराना नहीं होता कि किसी का अख्तियार तुम्हारे रब से बढ़कर है। किसी ने फैसला कर लिया है कि कोई मंजूर नजर है, तो अब वो बाई से तकरीम है और जो उससे टकराएगा वो पाश पाश हो जाएगा, बल्कि आपको ये एहसास दिलाना होता है कि अब जब कोई नहीं रहा कि जो तुम्हारी कामरानी को अपनी अता बता सके, तो अब तुमने मेरे भरोसे मेरे सहारे खड़ा होना है। अब तुम्हारी आंखें मेरी कुदरत के इतराफ के लिए खुलनी है। सोचे कितना जुल्म हो कि वो पल जो आपके लिए दूर पर तजल्ली चमकने जैसा हो, आप आंखें मूंद लें जिसमें आपके लिए समंदर में रास्ता बनना हो, आप ऐन उस लम्हे अपने घोड़ों की बागें खींच रहे हो, वो के जिसमें ये फैसला होना हो कि आपके सामने की आग ने आपके कदमों तले गुलजार बनना है, आप उसी साथ मायूसी के बुत के सामने सरनगो हो जाएं। इसीलिए बहादुर आदमी नजर मंजिल पर रखता है। जो मैं कर सकता था मैंने किया। उसका महवर उसका मकसद होता है, क्योंकि उसका रहनुमा उसका ईमान होता है। वो जानता है कि उसके आसपास गिरते बुर्ज उसके रब की हिकमत की निशानी है, और जल्द ही उससे ये सवाल होगा, अब कौन है तुम्हारा मेरे सिवा? और एक वो ही अपनी बेनियाजी तर्क करके सर झुकाने का मुकाम होगा। उस मुकाम तक अपना सर उठाकर चले, क्योंकि आपका लीडर सिर्फ इया का नाबुदो व इया का नस्तईन का दम भरता है। कोई आपको अपनी जानों पर मायूसी जैसा कुफ्रदारी करने पर कायल ना कर पाए, क्योंकि आप ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे पर इकट्ठी की गई कौम है, और ला इलाहा इल्लल्लाह के मानने वाले किसी और की खुदाई के दावे के सामने सिर नगु होने जैसे शिर्क के मुर्तकिब नहीं हो सकते। किसी से डरूं मैं? मुझे ये बताएं, खुदा से डरूं या इन लोगों से डरूं? कितने आप कैसे गलत बात करते हैं? आप डरते हैं? मुझे क्यों डरा रहे हैं आप? मैं तो डरूं? मैं किससे डरूं? आप ना डरे, आप बिल्कुल ना डरे, बेखौफ। सर, सच बोलने वालों को भारी कीमत देनी पड़ती है। कोई बात नहीं, मुल्क की खातिर दे दे, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। दे दे मुल्क की खातिर भारी कीमत, क्या हो जाएगा? एक नया बच्चा पैदा हो जाएगा आपकी जगह, हो सकता है वो चांद बन जाए, वो सूरज बन जाए, वो सितारा बन जाए। इतनी ना प्रोटेक्टिव बने, इतना अपने आप को संभालने की कोशिश ना करें, वतन के लिए आगे बढ़े। मैं आज अब पाकिस्तानियों को कह रहा हूं कि तोड़ दो ये खौफ के बुत को तोड़ दो। खौफ के बुत तोड़ दो। ला इलाहा इल्लल्लाह, जिसका नारा खान साहब ने यूनाइटेड नेशंस के में खड़े होके लगाया था। मरियम, लेट्स स्टार्ट विद यू। क्या तासुरात हैं? तकलीफ होती है ये देखिए कि हम मुसलमान हैं और हम इन लोगों से ज्यादा डरते हैं और अल्लाह से कम डरते हैं। हमें हमारे इन लोगों के ऊपर, जैसे अल्लाह ने कहा था ना कि मैं सील्स लगा दूंगा, सुमन बुकमन कर दूंगा इनको, और लेकिन उसमें भी हमारे इतने मुसलमान हैं जो अभी तक बाहर नहीं निकले, सिर्फ इसलिए कि इनको डर लगता है। किस चीज़ से डर लगता है, मेरी ये समझ में नहीं आता। आप गोली लगने से डर रहे हैं, तो वो तो आप घर में भी बैठे होंगे। अगर आपकी मौत गोली लगने से है, तो गोली कहीं से भी आएगी और आपको लगेगी और आप मर जाएंगे। आप अल्लाह से उम्मीदें छोड़ के आप डर रहे हैं कि हमें ये DSP उठा के ले जाएगा या हमें अमेरिका डंडा देगा, तो आपको अल्लाह का डर नहीं है इतना? तो यानी कि हम अपने ईमान जो है ना, इतना हमारा वीक हो गया है कि हम
सीरियसली हमें अल्लाह का खौफ नहीं है, हमें इन लोगों का ज्यादा खौफ है जो बहुत खतरनाक बात है हमारे मुसलमान मुल्क होने की वजह की। ये सब, ये तो हमारा बिल्कुल मायूसी जो है वो बिल्कुल कुफर है। ये तो हमारा बेसिक सबसे पहला रूल है इस्लाम में कि आपने मायूसी बिल्कुल नहीं करनी है, अल्लाह देने वाला है, रिस्क भी उसने लिखा हुआ है और हर चीज उसने लिखी हुई है, आप उस पर भरोसा करें। और खान साहब ने तो बिल्कुल कम्प्लीटली गिवन हिमसेल्फ टू अल्लाह, तो अल्लाह हैज पिक्ड हिम अप और वो उनको देखें कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दिया। और ये जो सब जो जिससे गुजर रहे हैं ये सब अल्लाह के कराए दिया है। He is not giving up, or Allah is not giving up on us. बेशक, बेशक, बिल्कुल आपने सही कहा। ज़रगोना, आप बताइए। बिल्कुल, मैं इसकी मरियम की बात को कंटिन्यू करूंगी कि बेशक वाकई खान साहब एक हमारे लिए बिगेस्ट एग्जांपल है कि इंसान जब ला इलाहा पढ़ लेता है ना तो उसको हर खौफ खत्म हो जाना चाहिए। खौफ वाकई में किस चीज़ का है, किस चीज़ का खौफ है? मौत, जिंदगी, ये सब कुछ अब अल्लाह के हाथ में है तो आपको किस बात का डर, किस बात का आप क्या क्या चीज़ है जो आपको खौफ में मुब्तला रखती है? खान साहब सही कहते थे, मैं तो बर्दाश्त कर लूंगा लेकिन आप बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। आपके साथ हो रहा है ये, खान साहब के साथ नहीं हो रहा। आपको अपने खौफ के भूत तोड़ने होंगे और इसी तरह आप अपने हालात से बदलेंगे। थैंक यू। बहुत बहुत बेहतरीन आपने बात की कि जब तक आप खुद अपने खौफ के बुत नहीं तोड़ेंगे आप अपने हालात नहीं बदल सकते। उज़्मा, क्या ऐड करेंगे आप? पहले तो मैं वही बात करूंगी जो ज़रगोना ने अभी कहा ना कि खान साहब कहते थे कि मैं तो बर्दाश्त कर लूँगा, आप लोग नहीं बर्दाश्त कर सकेंगे। तो मेरे हिसाब से मायूसी गुनाह है क्योंकि हमारा यकीन अल्लाह पर मजबूत नहीं है। आपको अल्लाह टेस्ट कर रहा होता है, आपका इम्तिहान ले रहा होता है कि आप अल्लाह पे कितना, यानी कितना इत्माद करते हो कि अल्लाह आपको बचाएगा। और खान साहब जो कहते हैं ना कि मैं तो बर्दाश्त कर लूँगा क्योंकि उनका इतना यकीन है अल्लाह पे कि कुछ भी हो जाएगा अल्लाह उनका साथ नहीं छोड़ेगा। और वही चीज़ हम लोग जो हैं हम बार बार मायूसी की तरफ चले जाते हैं तो हमारा यकीन उतना कमज़ोर हो गया है कि हमें अपने यकीन को मजबूत करने की ज़रूरत है कि अगर आपको अल्लाह पे यकीन है, अल्लाह पे इतबार है तो अल्लाह आपको अकेला नहीं छोड़ेगा, तन्हा नहीं छोड़ेगा। और फिर ये खौफ का सारा ये जो है ना ये लोग इस्तेमाल करते हैं, ये आपको दुनिया में डर दिखाते हैं जिसमें बार बार अल्लाह जो है उसने कुरान में जो कहा है और खान साहब ने उन चीज़ों को याद दिलाया है कि तीन ही चीज़ें हैं राइट जिनका आपको डर होना चाहिए और वो तीन चीज़ें जो हैं वो अल्लाह के हाथ में है। वो आपको ये अगर यकीन हो जाए कि भाई ज़िंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है, रिस्क अल्लाह के हाथ में और आपकी इज्जत जिल्लत भी अल्लाह के हाथ में, तो फिर आप क्यों डर रहे हो? क्योंकि जो आपकी ज़िंदगी में लिखा है वो तो होना है उसी तरह से। जब आपकी ये समझ आ जाएगी कि हर चीज़ अल्लाह के हाथ में, तो आप खुद ही यू नो आज़ाद हो जाओगे उन चीज़ों से। बेशक, बेशक, आपने बिल्कुल इतनी सही बात ये कही। और वाकई जिस तरह से अभी मुराद सईद ने भी इसमें अपने उसमें लिखा था कि अल्लाह ने तो अपने अंबिया तक को आजमाया है और हम जिस वक्त पीछे हट जाते हैं वो वक्त होता है जिस वक्त बस अल्लाह की रहमत आ रही होती है और उसी वक्त हम अल्लाह की रहमत पे से अपना एतबार खो देते हैं। जिस वक्त बिल्कुल ये अल्लाह ने ये जैसे उन्होंने बताया अभी मुराद सईद ने कि जिस वक्त उन्होंने मूसा की फौज ने अल्लाह पे यकीन किया और हजरत मूसा उनके साथ वो समंदर में चले गए आग के नमरूद के अंदर, पैगंबरों ने छलांग लगा दी तो अल्लाह ने अपनी रहमत उनके ऊपर नाजल की। तो अल्लाह तो है, अल्लाह तो बैठा हुआ है सारा कुछ संभाल के, अल्लाह सुभान व तआला, तो कोई सवाल नहीं पैदा होता। हमें सिर्फ उसके ऊपर, उस जात के ऊपर यकीन रखना है, फिर चाहे वो करबला का किस्सा हो या आगे नमरूद का किस्सा हो, वो सब अल्लाह के हाथ में है और हर चीज में बेशक अल्लाह ही संभालने वाला है। आपका बहुत शुक्रिया तीनों का, आप लोग आए, आप लोगों ने वक्त निकाला हमारे साथ, ये वीडियोस देखे। ये सिलसिला इंशाल्लाह जारी रहेगा और अगले वीडियोस के साथ और कुछ और मेहमानों के साथ इंशाल्लाह अगली दफ़ा आपसे मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।